सोया मील इंपोर्ट के आदेश के बाद सोयाबीन के दाम में 21 फीसदी की गिरावट। सोया मील इंपोर्ट के फैसले के बाद किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद सोयाबीन पैदा करने वाले किसान अब परेशान है, क्योंकि उनके कीमत में करीब 21% की गिरावट आई है। जो सोयाबीन 10 दिन पहले 10,000 रुपए प्रति क्विंटल या उसके ऊपर रेट पर बिक रहा था, वह सोया मील इंपोर्ट के निर्णय के बाद 8,000 रुपए के नीचे आ गया है। इससे किसानों को सीधे सीधे प्रति क्विंटल करीब 2,000 का नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि खाद तेल कारोबार के से जुड़े लोगों का कहना है कि किसान अब भी काफी मुनाफे में है, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अखिल भारतीय खाद तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर के मुताबिक सोयाबीन के दाम में 21 फीसदी की गिरावट जरूर आई है, लेकिन इसके दाम अब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से करीब 94% ऊपर है। सोयाबीन का MSP 3880 रुपए प्रति क्विंटल है, इसीलिए किसानों को घाटा नहीं है। दूसरी और सोयाबीन की नई फसल अगले महीने तक मार्केट में आ जाएगी, इसलिए किसान ज्यादा चिंतित हो रहे हैं कि जब उनकी फसल मार्केट में आने वाली है तब दूसरे देश से सोया मील इंपोर्ट करने के उनके हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल सोया मील सोयाबीन के बीजों से तैयार किए गए उत्पादों को कहते हैं, जिसका इस्तेमाल पोल्ट्री इंडस्ट्री में पशु आहार के रूप में किया जाता है। इसे सोयाबीन की खली भी कह सकते हैं। केंद्र सरकार ने 16 अगस्त को 12 लाख टन सोया मील इंपोर्ट की अनुमति दी थी। यह सोया मील जेनेटिकली मॉडिफाइड है। महाराष्ट्र सरकार ने इस इंपोर्ट का तुरंत रोकने की मांग की है। राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भूसे ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर किसानों के हित में इंपोर्ट का फैसला बदलने की मांग की है। महाराष्ट्र के अलावा किसी भी राज्य ने इसका विरोध नहीं किया है। प्रोटीन एवं तेल की भरपूर मात्रा की वजह से दुनिया में खाद्य तेल एवं पौष्टिक आहारों के लिए सोयाबीन महत्वपूर्ण सोर्स है। देश में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि सोयाबीन भारत में महत्वपूर्ण तिलहन फसल है, जिसे खरीफ सीजन के दौरान 120 लाख हेक्टेयर में बोया जाता है। देश में 1 करोड़ से ज्यादा किसान सोयाबीन की खेती करते हैं, अब उनकी फसल तैयार होने वाली है। इस बीच केंद्र सरकार ने 12 लाख मैट्रिक टन सोया मील इंपोर्ट की अनुमति दे दी। इस फैसले से सोयाबीन की कीमतों पर असर पड़ेगा। इधर मध्य प्रदेश के किसान नेता राहुल ने भी किसान हित में सोया मील इंपोर्ट के फैसले को वापस लेने की मांग की है, ताकि किसानों को नुकसान न हो। उनका कहना है कि सोयाबीन के लगातार गिरते दाम से किसान परेशान है।